हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस क्लास वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर और वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। देखो, मैं थोड़ा अपने मम्मी की तरह दिखती हूँ, थोड़ा अपने पापा की तरह दिखती हूँ, मतलब मैं अपने पेरेंट के जैसे हूँ। मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के जैसे हैं और उनके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के जैसे थे। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे, जिसको बायोलॉजिकल टर्म में ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी कहते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं? वो इसलिए क्योंकि पेरेंट्स अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपने बच्चे को पास ऑन कर देते हैं, और जिस प्रोसेस की वजह से कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को ही हेरिडिटी कहते हैं या फिर इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन सारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर नहीं होता, बच्चा अपने पेरेंट से थोड़ा अलग जरूर होता है, और इस डिफरेंस को ही वेरिएशन कहते हैं। और जब ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हुए बहुत सारे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, तो इवोल्यूशन हो जाता है, मतलब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में बदल जाता है। एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज में बदल जाना ही इवोल्यूशन कहलाता है। और हमारा ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला हेरिडिटी और दूसरा इवोल्यूशन। ये क्लास हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन में हम लोगों को किस किस टॉपिक को समझना है। हेरिडिटी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन कैसे एक्युमुलेट होता है, कैसे स्टोर होता है। ये चीज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में भी समझ चुके हैं, यहाँ भी इसको समझेंगे। सेकेंड टॉपिक है हेरिडिटी। हेरिडिटी में हम लोग समझेंगे हेरिडिटी क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स को समझेंगे जिनको की समझना और पढ़ना जरूरी है। और हम लोग ये समझेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट से बच्चे में आता है, वो उस कैरेक्टरिस्टिक का कितना प्रोबेबिलिटी है बच्चे में आने का। इसके लिए हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब के लॉ को समझेंगे। ग्रिगोर मेंडल साहब ने पी प्लांट को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, दो तरह का क्रॉस करवाया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही प्रपोज्ड थ्री लॉ, जिससे ये पता चलता है कि इनहेरिटेंस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी थर्ड टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन, मतलब न्यू बॉर्न बेबी लड़का होगा या लड़की, ये कैसे डिटरमाइन होता है। इतना हम लोगों को हेरिडिटी में पढ़ना है, उसके बाद हम लोग इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इवोल्यूशन में सबसे पहला टॉपिक है एन इलस्ट्रेशन। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि नेचर किस तरह से इवोल्यूशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, एज फॉर एग्जाम्पल हाइट, कलर ऑफ स्किन। और एक्वायर्ड ट्रेड्स वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में डेवलप करता है, मतलब जिसको हम सीख कर डेवलप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। सेकेंड टॉपिक में हम लोग ये भी समझेंगे कि अर्थ पे लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। थर्ड टॉपिक इज स्पेशिएशन। इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में कैसे बदल जाता है। फोर्थ इज इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। देखो, लिविंग थिंग्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो बेस्ड होता है इवोल्यूशन पे। इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब इवोल्यूशन को हम लोग ट्रेस करेंगे, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ ये हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रेस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग फॉसिल में भी इसको ट्रेस करेंगे। फिफ्थ टॉपिक है इवोल्यूशन एंड स्टेजेस। इसमें हम लोग इवोल्यूशन के डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ेंगे। सिक्स्थ टॉपिक है इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। हमेशा इवोल्यूशन का मतलब प्रोग्रेस ही नहीं होता, और इस टॉपिक में हम लोगों को ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन इवोल्यूशन तक पढ़ लेने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ये समझे कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। रोड मैप जरूरी होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। सो दिस इज इट। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।